वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स. बेसल फंक्शन, वी डिस्कस द टॉपिक रिकरेंस रिलेशंस, बेसल रिकरेंस रिलेशंस. बेसल रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. बेसल रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट एंड सेकंड गिव्स द वैल्यू ऑफ एक्स डी एक्स जी एंड डेस. ऑल द स्टूडेंट्स लर्न ऑल द रिकरेंस रिलेशंस. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स जे एंड डेस? एन जे एन माइनस एक्स इंटू जे एन प्लस वन माइनस एन जे एन प्लस एक्स जे एन माइनस वन. लर्न करने का तरीका आपको अच्छे से एक्सप्लेन बता दिया था और अब सभी स्टूडेंट्स को रिकरेंस रिलेशंस लर्न हो गए होंगे. रिकरेंस रिलेशन लर्न रहेंगे तभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे. अदरवाइज क्वेश्चंस इजी हैं बट रिलेशंस लर्न हैं तब इजी हैं, अदरवाइज फिर सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा. थर्ड रिकरेंस रिलेशन ट्वाइस जे एन डैस इक्वल टू जे एन माइनस वन माइनस जे एन प्लस वन. बेसल रिकरेंस रिलेशन फोर्थ, इसमें क्या था? ट्वाइस एन जे एन इक्वल टू एक्स इंटू जे एन माइनस वन. इसमें ये प्लस था, इसमें माइनस था, इसमें प्लस होगा. नेक्स्ट फिफ्थ एंड बेसल रिकरेंस रिलेशन सिक्स्थ, डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू द पावर माइनस एन जे एन एंड डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू द पावर एन जे एन माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस एन जे एन प्लस वन. एक्स रेज टू द पावर एन पॉजिटिव है तो यहाँ पर यह आएगा अपना नेगेटिव वैल्यू. तो ये तो अपने सबसे फर्स्ट रिकरेंस रिलेशंस थे. अब नेक्स्ट इन्हीं पर बेस्ड सॉल्यूशंस कर रहे थे, ठीक है, क्वेश्चंस कर रहे हो. देखो ये हो गया था कंप्लीट, ये करवा दिया था आप लोगों को, ठीक है. नेक्स्ट देखो, इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल प्रूव दैट डी बाई डी एक्स एक्स जे एन जे एन प्लस वन इक्वल टू एक्स इंटू जे एन स्क्वायर माइनस जे एन प्लस वन स्क्वायर. लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलोगे और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करोगे, ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड डिफ्रेंसिएशन ऑफ ऑल थ्री टर्म्स, तो सबसे फर्स्ट एक्स का करोगे वन हो जाएगा जे एन प्लस वन, ठीक है. एक्स एच इट इज जे एन प्लस वन एच इट इज और जे एन का जे एन डैस एक्स इंटू जे एन एच इट इज और इसका डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में जे एन प्लस वन डैस, ठीक है. तो ये यहाँ पर इजी स्टेप्स हैं, इसमें कोई आसान सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है. इजीली एक्सप्लेनेशन के बाद सॉल्व कर लोगे सभी. एक्स जे एन डैस और यहाँ पर है अपना जे एन प्लस वन डैस, ठीक है. मेनली अपने को जो डैस वाली टर्म्स हैं उनको रिमूव करना है, ठीक है. टू रिमूव द डिफरेंशिएशन टर्म्स इन राइट हैंड साइड वी विल यूज बेसल रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट एंड सेकंड. इन बेसल रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट एक्स जे एन डैस इक्वल टू एन इंटू जे एन माइनस एक्स इंटू जे एन प्लस वन. बेसल रिकरेंस रिलेशन सेकंड, जो सेकंड टर्म है इसमें तो एक्स जे एन डैस की वैल्यू एज इट इज पुट कर दोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जे एन और जे एन प्लस वन वाली टर्म्स हैं अपना, ठीक है. इसमें भी जे एन और जे एन प्लस वन वाली टर्म अपने को लेकर आनी है, तो इसमें तो कोई चेंज करोगे नहीं. एक्स जे एन डैस इक्वल टू माइनस एन जे एन प्लस एक्स इंटू जे एन माइनस वन.
ठीक है, अब इसमें जे एन और ये जे एन माइनस वन वाली टर्म है, जे एन माइनस वन टर्म इज नॉट प्रेजेंट हेयर, सो वी रिप्लेस एन बाय एन प्लस वन। एन को एन प्लस वन से रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा एक्स इंटू जे एन प्लस वन डैस, और वैसे भी यहाँ पर एक्स जे एन प्लस वन डैस है तो एन को रिप्लेस करना पड़ेगा एन प्लस वन से। ठीक है, तो दोनों तरफ से ही समझ सकते हो इसको, इधर भी कि ये टर्म यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो इसको यहाँ से अपने को रिमूव करना है, सो वी रिप्लेस एन बाई एन प्लस वन, और एक्स जे एन प्लस वन जे एन डैस है यहाँ पर, तो जे एन प्लस वन डैस के लिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये टर्म हो जाएगी, इसकी वैल्यू एन को एन प्लस वन से रिप्लेस करोगे तो ये टर्म आ जाएगा, ये एक्स जे एन डैस एंड एक्स जे एन प्लस वन डैस, इन दोनों का जो वैल्यू है वो एच एट एच पुट कर दो, पुट करके और इसको सॉल्व करना है ओनली, इसको मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों से, जे एन को मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों टर्म्स से। ठीक है, फिर जो कैंसिल हो रही है उन टर्म्स को कैंसिल कर दो, जैसे ये जे एन प्लस वन है, ठीक है, ये तो इन दोनों में से कॉमन ले लो, जे एन प्लस वन, तो ये हो जाएगा एन प्लस वन, ठीक है, और ये एन प्लस वन जे एन प्लस वन, तो ये टोटल टर्म कैंसिल हो जाएगा, और इधर से ये अपना एक्स, ये ठीक है, ये दोनों टर्म ही रिमेनिंग टर्म है, ये तो कैंसिल हो ही गए, इनमें से ये दोनों टर्म इन दोनों टर्म से कैंसिल हो गई, तो इसमें से एक्स कॉमन ले लो, जे एन स्क्वायर माइनस जे एन प्लस वन स्क्वायर। ठीक है, तो बेसल रिकरेंस रिलेशंस को यूज करके डिफ्रेंसिएशन टर्म्स को विदाउट डिफ्रेंसिएशन टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इसी के बी पार्ट में प्रूव करना है, एक्स इक्वल टू ट्वाइस जे नॉट जे वन प्लस सिक्स जे वन जे टू प्लस एंड सोन टू इंटू टू एन प्लस वन जे एन प्लस वन प्लस एंड सोन। ठीक है, बी पार्ट को प्रूव करने के लिए ए पार्ट में जो रिलेशन प्रूव किया है ए पार्ट के अकॉर्डिंग इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पार्ट ए वी विल प्रूव दैट दिस पार्ट, तो फ्रॉम पार्ट ए ये रिलेशन हो गया। ठीक है, इजीली लर्न भी रख सकते हो, कोई ऐसा टफ नहीं है, एक्स जे एन प्लस वन, इसका डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू क्या है, एक्स जे एन स्क्वायर माइनस जे एन प्लस वन स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क कर दो, इसमें वो ही पुट करो, एन इक्वल टू जीरो पुट करके एक इक्वेशन बनाओ, नेक्स्ट एन इक्वल टू वन पुट करके एक इक्वेशन बनाओ, फिर एन इक्वल टू टू पुट करके नेक्स्ट इक्वेशन बनाओ, तो इस तरह से थ्री फोर इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो गई, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इक्वेशन ले लो, एनी पुट एन इक्वल टू जीरो वन टू थ्री इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट दीज इक्वेशंस सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके, अब देखो इक्वेशन नंबर इक्वेशन सेकंड थर्ड और फोर्थ, इसके नेक्स्ट देखो, इसको वन से मल्टीप्लाई करो, इसको थ्री से और इसको फाइव से मल्टीप्लाई, इक्वेशन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ बाय वन थ्री एंड फाइव रिस्पेक्टिवली एंड देन एडिंग वी गेट, अब इसको वन से, इसको थ्री से, इसको फाइव से, तो देखो डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स कॉमन है सभी में, जे नॉट जे वन, इसको थ्री से करोगे तो थ्री जे वन जे टू प्लस फाइव जे टू जे थ्री प्लस एंड सो ऑन, क्लियर है, लेफ्ट हैंड साइड एक्स सभी में कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये है जे नॉट स्क्वायर माइनस जे वन स्क्वायर प्लस, इसको थ्री से करोगे थ्री जे वन स्क्वायर माइनस थ्री जे टू स्क्वायर प्लस फाइव जे टू स्क्वायर माइनस फाइव जे थ्री स्क्वायर, इस तरह से टर्म्स आएंगी माइनस फाइव जे थ्री स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, तो ये देखो ये हो जाएगा टू जे वन स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस थ्री प्लस फाइव टू जे टू स्क्वायर, तो जे नोट स्क्वायर तो एज इट इज रहने दो, और इन सब में से टू कॉमन लोगे तो ये जे वन स्क्वायर प्लस जे टू स्क्वायर प्लस जे थ्री स्क्वायर एंड सो ऑन, ये टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, जे नोट स्क्वायर प्लस ट्वाइस जे वन स्क्वायर प्लस जे टू स्क्वायर प्लस जे थ्री स्क्वायर एंड सो ऑन, ये किसके इक्वल है, वन के इक्वल। ठीक है,
तो ये एक्स तो सभी में कॉमन है इस तरह से है, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वन। इसी से पहले जो एग्जांपल किया था उसका बी पार्ट था कि जे नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस जे वन स्क्वायर प्लस जे टू स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें ए पार्ट ध्यान आ गया होगा सभी को, ठीक है। तो उसमें ये रिजल्ट किसके इक्वल था, वन के इक्वल, तो ये इक्वल टू एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म इक्वल टू एक्स। अब इधर डिफ्रेंशिएशन है तो इसको रिमूव करोगे तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इंटीग्रेट करोगे तो ये टर्म एक्स इंटू जे नॉट जे वन प्लस थ्री जे वन जे टू प्लस फाइव जे टू जे थ्री प्लस एंड सो ऑन इक्वल टू एक्स का करोगे एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट इक्वेशन फिफ्थ ले लोगे इसको, ठीक है। इक्वेशन नंबर फिफ्थ हो गया ये। अब नेक्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट सी। ये पार्ट प्रूव किया था तब क्या नोटेशन यूज किए थे कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, जे नॉट यूजिंग द नोटेशंस जे नॉट नॉट इक्वल टू वन एंड जे एन नॉट इक्वल टू जीरो इफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, कि एन की वैल्यू वन और वन से ग्रेटर होगी तो उस केस में जे एन नॉट इक्वल टू जीरो और जे नॉट नॉट इक्वल टू वन, इन नोटेशंस को यूज में लेकर कॉन्स्टेंट सी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ये इक्वेशन आ गई फिफ्थ। इस इक्वेशन फिफ्थ में पुट x इक्वल टू, जैसे जे नोट जे एन एक्स होता है तो जे नोट एक्स जे वन एक्स जे वन एक्स जे टू एक्स इस तरह से हैं ये, ठीक है। आप लोगों को बताया था चाहे जे एन से रिप्रेजेंट करो चाहे जे एन एक्स से रिप्रेजेंट करो एक ही बात है। तो पुट x इक्वल टू जीरो इन दिस इक्वेशन, x इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो राइट हैंड साइड तो c हो जाएगा, ठीक है। c इक्वल टू इधर देखो ये जे एक्स कॉमन है, ठीक है, रहने दो। जे नोट नोट वन बट जे वन जीरो जीरो होगा, जे वन जीरो इक्वल टू जीरो इफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और जे वन जे टू ये एन की वैल्यू वन और वन से ग्रेटर होने पे ये सभी वैल्यूज इसके अकॉर्डिंग जीरो हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये सी इक्वल टू जीरो, सी की वैल्यू जीरो पुट कर दो इक्वेशन नंबर फिफ्थ में। इक्वेशन फिफ्थ में जीरो पुट करोगे तो ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू इस टू को मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो x इक्वल टू ट्वाइस जे नोट जे वन प्लस सिक्स जे वन जे टू प्लस टेन जे टू जे थ्री प्लस एंड सो ऑन इक्वल टू x, ठीक है। अब ये टर्म आ रही है तो ये तो राइट हैंड साइड को इधर ले लो, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, ये है x इक्वल टू टू जे नॉट जे वन प्लस सिक्स जे वन जे टू प्लस टेन जे टू जे थ्री प्लस, अब इसका जनरल टर्म ले लो यहाँ पर, तो जैसे जे नॉट जे वन है या जे वन जे टू जे टी जे टू जे थ्री, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट जे एन प्लस वन, इससे एक नेक्स्ट टर्म है ये, ठीक है। तो एन की वैल्यू जीरो वन टू एंड सो ऑन, तो जीरो वैल्यू लोगे यहाँ पर तो जे नोट जे वन हो जाएगा और एन की वैल्यू जीरो के अकॉर्डिंग ये टू, तो इसमें एन की वैल्यू जीरो वन टू एंड सो ऑन पुट करते जाएंगे तो ये टर्म्स अपनी आती जाएंगी, ठीक है। ये देखो टू इंटू टू एन प्लस वन कैसे आएगा, टू सिक्स और टेन, टू सिक्स टेन अरेथमेटिक सीरीज है समांतर श्रेणी, तो इसका nth टर्म क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए की वैल्यू टू है यहाँ पर और डी क्या है फोर, फोर का डिफरेंस है तो ये हो जाएगा टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू फोर, तो टू प्लस फोर एन माइनस फोर, तो ये हो गया फोर एन माइनस टू, टू कॉमन लोगे तो टू एन माइनस टू इंटू टू एन माइनस वन, एक सेकेंड रुको आप,
तो देखो इसका जनरल टर्म जो है ये 2 इंटू 2 एन माइनस 1 इंटू जे एन जे एन प्लस 1 ये होगा अपना। अब यदि इसमें एन इक्वल टू 0 पुट करते हो तो ये तो ठीक है जे नॉट जे वन आ जाएगा, लेकिन एन इक्वल टू सॉरी 0 से एन इक्वल टू 0 से ये 0 हो गया ये 1 हो गया, लेकिन ये 0 से देखो ये 0 से माइनस 2 आएगा, लेकिन अपना फर्स्ट टर्म माइनस 2 जे नॉट जे वन नहीं है, अपना फर्स्ट टर्म है 2 इंटू जे नॉट जे वन, ठीक है प्लस वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर ये जो है 2 इंटू 2 एन माइनस 1 इसको अपने को क्या लेना होगा 2 इंटू 2 एन प्लस 1 जे एन प्लस 1, ठीक है क्योंकि 2 एन प्लस 1 इसमें एन इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 जे नॉट जे वन, तो अपना फर्स्ट टर्म ये है, ठीक है एन इक्वल टू 1 पुट करोगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा 6 जे वन जे टू, ठीक है तो ठीक है nth टर्म जो है इस सीरीज के अकॉर्डिंग 2 इंटू 2 एन माइनस 1 होगा, लेकिन अपना जो सीरीज आ रहा है 2 6 10 ये 2 6 10, ठीक है तो ये जो टर्म्स हैं ये 2 इंटू 2 एन प्लस 1 के अकॉर्डिंग आएंगी, ठीक है तो जो भी जनरल टर्म ले रहे हो उसमें एक बार वैल्यू पुट करके देख लो एज इट इज वही टर्म्स फाइंड आउट हो रही हैं या नहीं, जैसे 2 एन माइनस 1 के अकॉर्डिंग ही माइनस में आएगा बट माइनस टर्म इज नॉट प्रेजेंट हियर सो वी टेक 2 इंटू 2 एन प्लस 1, ठीक है तो ये यही अपने को बी पार्ट में प्रूव करना था। तो इसके दोनों पार्ट्स सभी कंप्लीट करेंगे, ठीक है तो इससे पहले जो एग्जांपल था वो और ये एग्जांपल दोनों रिलेटेड है, ये अपना कंप्लीट हो गया ओके।